हमारे साथ पत्नी के साथ ये घटना हुई कि मेरी पत्नी शौच के लिए जाती है, उसके बाद में उसके सर पैर में काट लिया है, और उसके बाद हम अस्पताल में आए और भर्ती कराया, मरीज मेरा सही हो गया। उसके बाद में दूसरी बार फिर मेरी पत्नी शौच के लिए गई, उसके बाद में फिर सर आया, और उसके बाद फिर मेरी पत्नी के पैर में काट लिया दूसरे पैर में। तीसरी बार मेरे बच्चे को शौच कराने के लिए गई, फिर पीछे से सांप आ करके वो पैर में बिंद गया और काट लिया, जिसे साबरेगा हमें बहुत काफ़ी डर लग रहा है। थाना के बेनीगंज क्षेत्र के वसैन गांव की रहने वाली है, जो आज सांप काटने में भर्ती हुई है। फिलहाल अभी उसकी स्थिति ठीक है, उसको एफवे देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है आज। बस इतना ज़रूर है कि इससे पहले भी एक हफ्ते के अंदर उसे दो बार और सांप ने काटा है, उसके लिए उसके भी एक जगह निशान दिख रहा है, एक शायद निशान मिट गया हो, लेकिन अभी उसकी स्थिति ठीक है, उसका इलाज किया जा रहा है। क्या प्रोजेक्ट है, जैसे मरीज का कुछ जो है मेंटली वजह हो सकती है, क्या हो सकता है? मरीज तो ऐसे मतलब मेंटली तो ठीक है, अब जिसको एक बार एक ही आदमी को तीन बार सांप काटेगा तो भयभीत होना तो स्वाभाविक होता है। बाकी अब उसका इलाज किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? इलाज सिम्टोमेटिक बेस कर रहे हैं, फिलहाल आज उसे एफ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है अभी।